नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। कंपनी के डिटेल्स आप कैसे चेक कर सकते हो, पूरे ए टू जेड आप देख सकते हो आपके कंपनी के, कब ओपन किया है कंपनी, कंपनी कैसा है नहीं है, कितने पैसे जमा कर रहे हैं हर महीना आप देख सकते हो, आपके नाम पे पीएफ जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है आप वो भी चेक कर सकते हो। आपके यूनिवर्सल अकाउंट में तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है एक्टिव नहीं होता है, तो आप पहले से ही पता कर सकते हो आपके नाम पे पीएफ जमा हुआ है या नहीं हुआ। 1995 के बाद जो भी ऑनलाइन पीएफ जमा हुआ है आप चेक कर सकते हो। अगर आप कंपनी छोड़ चुके हो तो इस वाले वीडियो को भी देख के आप पता कर सकते हो आपके नाम पे पीएफ जमा हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपके कंपनी के नाम याद है तो कंपनी नाम पे भी आप चेक कर सकते हो। कंपनी नाम पे जाने के बाद आप अपने नाम पे चेक कर सकते हो आपके नाम पे पैसे जमा हुआ है या पैसे जमा नहीं हुआ है। एक एक चीज आप देख लीजिए, तभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है epfindia.gov.in। उसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिखाई देगा सर्विस, इस पे आपको क्लिक करना है। सर्विस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयर, आपको ऊपर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ऊपर वाले में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे आना है। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये सर्च वाले जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी इस वाले पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस वाले सर्च में क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइन में जाना है, जो थ्री डॉट दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में ले जाना है। डेस्कटॉप साइड मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे पूरे क्लियर दिखेगा, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा लेकिन पेज में पूरे दिखेगा। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, कंपनी के नाम डाल देना है और ये जो कैप्चर दिख रहा है इस वाले बॉक्स में डाल के सर्च बार में क्लिक करना है। नहीं तो और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, जो पीएफ नंबर होता है, पीएफ नंबर में अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो 7 डिजिट है, 0 के बाद 5 डिजिट होता है, 0 को लेके 7 डिजिट। ठीक है, इस वाले नंबर को 7 डिजिट को लेके इस वाले बॉक्स में डालना है और ये जो कैप्चर दिख रहा है इस वाले बॉक्स में डाल के आपको सर्च बार में क्लिक करना है। आप देख सकते हो कंपनी के नाम, आप पूरे अगर याद है तो पूरे भी डाल सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो कोड है मैंने डाल दिया, उसके बाद सर्च बार में क्लिक कर देता हूँ। सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 7-8 आपके कंपनी के नाम आ जाएगा। 7-8 कंपनी के अंदर आपको एक छांटना है, वो कैसे देखना है, कैसे छांटना है वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। ये थोड़ा सा नीचे आना है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बासंती एंटरप्राइज के नाम पे कितना सारे अकाउंट है, 6-7। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो कोड नंबर है ये कहाँ का है, ये थोड़ा सा आपको पता करना है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यहाँ से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो आपके कंपनी का जो एड्रेस है, यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा नहीं है, सारे कुछ अंदाज से नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ से पकड़ने पड़ेगा कौन सा एड्रेस में आपके कंपनी था, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेरे यहाँ पे है, मैंने यही ऊपर वाले आपको दिखा देता हूँ, बासंती एंटरप्राइज ये होता है, जो कंपनी के जो कोड नंबर है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो SHD ये 5 डिजिट छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, ये 0002794 ये है कंपनी के कोड। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंपनी का कोड है। आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यूज में जाना है, यहाँ पे दिख रहा है व्यूज, इस पर क्लिक करना है, पूरे काला चिट्ठा पूरे सारे कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दूसरे का और एक कंपनी का दिखाऊंगा, ये पुराने कंपनी का दिखा रहा हूँ और एक भी एक कंपनी का दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे क्या, उसका भी काला चिट्ठा आप देख सकते हो। अभी करंट वाले भी आप चाहते हो तो करंट वाले भी मैं दिखा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, आप क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे कंपनी के पूरे एड्रेस के साथ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्लोज हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लोज। ठीक है, ये जो कंपनी रजिस्टर हुआ था 16 अगस्त 2003 वाले कंपनी को तो आप देख लिया, पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरे एड्रेस के साथ पीएफ नंबर सारे कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं अभी दिखाता हूँ दूसरे अकाउंट खोल के, उसमें से आप कैसे नाम भी सर्च मार सकते हो, कैसे नाम भी आप अपने नाम भी देख सकते हो, अगर पुराने भी पीएफ है तो भी आप अपने नाम देख सकते हो। मैंने अभी दिखा देता हूँ, ये जैसे फर्स्ट पेज में आ गया, उसके बाद मैं किसी का भी कोई भी दूसरे कंपनी का मैं निकाल के अभी दिखा देता हूँ। ये जैसे व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वही सेम चीज़ है,
आपको डिटेल्स आपको देखना है, आपके नाम चूज करना है। अगर 10 साल 15 साल 20 साल जितने भी पुराने साल 1995 के बाद जितना भी रजिस्टर हो रखा है वो आपने नाम आप चेक कर सकते हो। आपके नाम पे पीएफ कितने की जमा हुआ है वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपके नाम जरूर दिखेगा वो लिस्ट में कि टोटल कितने पैसे जमा हुआ है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पूरे एड्रेस सारे कुछ आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो लाइव अभी दिखा रहा है, मतलब अभी कंपनी चालू है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आना, ये रजिस्टर हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हो 2 जून 2018 को ये कंपनी रजिस्टर हुआ है पीएफ ऑफिस में, ठीक है। आप यहाँ से इनका डिटेल सारे कुछ देख सकते हो, पूरे कंप्लीट आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे व्यू पेमेंट में जाना है, पूरे डिटेल्स इसका कच्चा चिट्ठा जो भी है सारे कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हो, अपने कंपनी के आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा महीने के पीएफ जमा हुआ है, ये जब से कंपनी स्टार्ट किया है अभी मैंने जो दिखाया था आप यहाँ से देख सकते हो। अभी लाइव वाले मैं दिखा देता हूँ इसके कंपनी में कितने बंदे काम कर रहे हैं। 20 बंदे से स्टार्ट हुआ था जब पहले ओपन हुआ था, ये 20 बंदे से स्टार्ट हुआ था। कितना एम्प्लॉय है अब यहाँ पे देख सकते हो, इनका कंपनी में इतना एम्प्लॉय है। अब लास्ट पेज में ले जाता हूँ, ठीक है। लास्ट पेज में आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है। यहाँ पे अभी लास्ट में 2 बंदे काम कर रहा है। इस पर क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है जो 2 लिखा है उसमें। क्लिक करने के बाद मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, जो ज़्यादा बंदे काम करता है बड़े कंपनी का उसका मैं अभी एक दिखा देता हूँ। इस पर 2 बंदे का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें जल्दी दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा जल्दी से, ठीक है। आपको यहाँ नीचे आना है, आप यहाँ पे देख सकते हो आशीष कुमार देवाशीष कुमार 2 बंदे इस पर काम कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसे देखना है, मैंने अभी बड़ा वाला कंपनी का दिखा देता हूँ जिसमें बहुत सारे बंदे काम करता है, उसमें कैसे आप निकाल सकते हो उसमें मैं अभी दिखा देता हूँ। अब आ गया मैं फर्स्ट पेज में, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 7 डिजिट लिखा है आपके जो कंपनी के जो अकाउंट नंबर है एड्रेस के बाद 00 से लेके जो 7 डिजिट होता है वो आपको डालना है। उसके बाद ये वाले कैप्चर डाल के मैंने सर्च में अभी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो पहले मैंने कंपनी नाम डाल के मैंने सर्च किया था, ठीक है। उसके बाद मैं सर्च मार देता हूँ, सर्च बार में क्लिक करने के बाद ये सारे इसका भी इस कंपनी का भी कच्चा चिट्ठा जो भी है आपके, अगर स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है आपके पीएफ जमा हुआ है इसका मतलब अब जो पीएफ ऑफिस वाले ने अभी एक्टिव नहीं किया, लेकिन अब इसमें दिखाई देगा जो पेमेंट हो चुका है, ठीक है। मैं अभी दिखा देता हूँ कौन सा वाले में सर्च मारना है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो एड्रेस है एड्रेस के हिसाब से आपको ढूंढ लेना है, क्योंकि जो पीएफ नंबर है जो कोड नंबर होता है ना वो सेम होता है, बहुत सारे कंपनी का सेम होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है जो एड्रेस, एड्रेस के हिसाब से आपको पहले देखना है। मैं अभी मुंबई वाला है तो MHBN मुंबई का कोड होता है, ठीक है। आपके अलग अलग मिलेगा, आपके जो भी है आप इसमें टिक कर लीजिएगा। मैं इसमें टिक कर देता हूँ जो दूसरे वाला है, दूसरे वाले क्लिक करने के बाद इसका कितना पेमेंट किया है, कौन सा महीना में कितना टोटल पेमेंट किया है ये बड़े कंपनी का, मैं अभी डिटेल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैसे नाम सर्च करना है, कैसे पुराने से पुराने अगर कंपनी एक्टिव था उस टाइम तो आप तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि 10 साल तक ये एक्टिव रहता है, 5 साल के बाद ही क्लोज कर देता है। अगर कंपनी क्लोज हो गया तो 5 साल तक आप इसमें सर्च मार के चेक कर सकते हो अपना डिटेल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ओपन हो गया, थोड़ा सा नीचे आना है, ऊपर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आप नीचे जैसे आओगे आप यहाँ से देख सकते हो अभी लाइव चल रहा है, अभी कंपनी ओपन है, ठीक है। आप यहाँ से पूरे एड्रेस निकाल सकते हो, ठीक है, पूरे एड्रेस के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो CIN कोड होता है आप यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। पूरे कंपनी के A to Z आप यहाँ से निकाल के देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको कहाँ देखना है, आपके नाम कहाँ मिलेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं है आपके नाम ढूंढने के लिए, ठीक है। आप कंपनी तक तो पहुँच गए, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है व्यू पेमेंट डिटेल्स, पूरे पेमेंट डिटेल्स आप यहां से देख सकते हो। जो चालान भरते हैं कंपनी वाले पीएफ ऑफिस में जाके, उस चालान को भी आप देख सकते हो, इस चालान को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप यहां पे देख सकते हो। ये जो ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन आईडी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कितने कितने पेमेंट किया है आप यहाँ पे देख सकते हो। दिसंबर महीना में 2 बार जमा किया है, एक बार 3 बंदे का जमा किया है, एक बार 1538 बंदे का जमा किया है, और यहाँ से भी जनवरी में भी देख सकते हो जो 2017 में जमा किया है, ठीक है। अभी 20 चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1400, ये 1500 के ऊपर के बंदे के जमा किया है। अगर आपको नाम देखना है, कैसे देखना है,
अब यहाँ पे क्लिक करना है 1538 टोटल जो काउंटिंग करके यहाँ बंदे का जोड़ रखा है कितने बंदे हैं कितना एम्प्लॉय है आप यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है 1538 जो लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है। मैंने अभी दिखाता हूँ कैसे नाम अपने नाम इसमें देख सकते हो अपने आपके नाम पे पीएफ जमा हुआ है नहीं हुआ अभी करंट डेट वाले में अभी लास्ट वाले में दिखा दूंगा। अगर आपके पासबुक में एक्टिव नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा क्योंकि पीएफ ऑफिस वाले ने लेट कर रहे हैं ठीक है। इसके लिए कोई कंपनी वाले जिम्मेदार नहीं है क्योंकि कंपनी वाले पेमेंट कर देते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे आना है आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप जैसे ही जाओगे ये सारे ओपन हो जाता है ठीक है। 154 पेज की है अब इसमें से कैसे ढूंढना है 154 पेज तो ढूंढना मुश्किल है। आपको क्या करना है यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना है। सर्च बार में क्लिक करने को आपके नाम डाल देना है। मैं अभी दिखा देता हूँ आप देख सकते हो जैसे ही नाम डाला यहाँ पे नाम आ गया आपके नाम पे जमा हुआ है या नहीं हुआ है आपको पता चल जाएगा। जैसे सुधा डाला ये देख सकते हो ये बहुत सारे नाम आ गया सुधा नाम से क्योंकि सुधा के नाम पे भी और आगे भी बहुत सारी चीजें है टाइटल है ये आप यहाँ पे देख सकते हो सुधा नाम से जो भी है एक पेज में जितना सुधा नाम से है ये सारे आ गया आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ अभी करंट वाले कैसे चेक कर सकते हो। ये तो हो गया 16-17 वाले अब यहाँ पे देख सकते हो 16-17 वाले चालान है ये ठीक है। उसके बाद अभी करंट वाले आपको देखने के लिए यहाँ पे लास्ट वाले में क्लिक करना है जो 23 पेज है 23 पेज वाले पे क्लिक कर देना है ठीक है। मैं क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद जो अभी करंट वाले वो ओपन हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो मई 20 को जमा गया ये अप्रैल वाले चालान जमा हुआ है ठीक है। आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है 430 वाले पे इस पर जाके आपको पूरे नाम आपके ढूंढ लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है चालान कैसे ढूंढे ये जो नंबर है TRRN नंबर आपको क्या करना है इसको नोट कर लेना है। ये दूसरे तरीके से भी आप अपने नाम चेक कर सकते हो आपके नाम पे पीएफ जमा हुआ है नहीं हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो। ये जो नंबर है ये नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर को नोट करने के बाद आपको बैक जाना है तो TRRN नंबर यहाँ पे सर्च बार में क्लिक कर देना है ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वो तो पहला तरीका था अब यहाँ पे देख सकते हो दूसरा तरीका नोट करके रखने के लिए बोला था उसको क्या करना है इस पर डाल देना है ठीक है। इस वाले बॉक्स में डाल देना है उसके बाद ये वाले जो कैप्चर है इस वाले कैप्चर को आपको नीचे वाले बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद सर्च बार में क्लिक करना है मैं पहले पूरे फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे कुछ कंप्लीट कर दिया उसके बाद सर्च बार में क्लिक कर देता हूँ। सर्च बार में क्लिक करने के बाद ये जो चिट्ठा है सारे ओपन हो जाता है इसमें से आप कच्चे चिट्ठे पूरे ओपन करके देख सकते हो आपके नाम पे पीएफ जमा हो रहा है नहीं हो रहा है क्या कर रहा है कंपनी वाले ने ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पीडीएफ पूरे डाउनलोड हो गया ठीक है। आपको यहाँ से कैसे देखना है पूरे यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे टाइम टेबल सारे कुछ एक एक चीज आ जाता है कौन सा बैंक में जमा किया है कौन सा बैंक के चेक था। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरे एक एक चीज कितने अमाउंट है कितने बार में जमा किया है आप इसमें सारे कुछ देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे डिटेल्स में जाना है इस वाले डिटेल्स में क्लिक करना है। कितने बंदे की पीएफ जमा हुआ है एक एक बंदे का आप यहाँ से देख सकते हो इसी तरीके से आपको चेक करना है ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट मोड जो भी है आप यहाँ से देख सकते हो मैंने सारे कुछ इतना डिटेल्स नहीं बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे नीचे आओगे यहाँ पे पूरे बंदे का नाम आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 43 बंदे की लिस्ट है इस पर आपको जाके ऐसे एक एक करके देखना है नहीं तो आपको क्या करना है आपके नाम सही नाम आपको डाल के यहाँ पे सर्च में क्लिक कर देना है। ये था पूरे प्रोसेस। अगर आपको पीएफ नंबर आपको जानना है आप काम छोड़ चुके हो कंपनी बंद हो गया तो आप पीएफ का पैसे आपके अटका पड़ा है पीएफ का पैसे आप निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास ना ईवन नंबर है ना पीएफ नंबर है आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप पता कर सकते हो आपके पीएफ नंबर। अगर आपके कंपनी बंद हो गया तो आप पीएफ का पैसे नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको कैसे निकालना है उस वाले वीडियो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे भी पहले आपको पीएफ नंबर नहीं पता यूएन नंबर नहीं पता आपको कैसे पता करना है आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप पता कर सकते हो अपने पीएफ नंबर। यहाँ पे यस नो के मैं ऑप्शन दे दूंगा अगर आपको पीएफ नंबर चाहिए पता करना है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा अगर नहीं पता करना है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो पीएफ नंबर मिलने के बाद आप यूएन नंबर एक्टिवेट करा सकते हो उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हो। मैंने पीएफ का पैसे निकाला है जो कंपनी बंद हो गया आपको पता चल जाएगा कैसे निकालना होता है आप देख लीजिए ये मैंने जमा करके आया है पैसे भी आ गया। अगर इसके बारे में आपको सबूत चाहिए तो
तो मैंने अगली वीडियो में बना के दे दूंगा कैसे पुराने कंपनी का पैसे आप निकाल सकते हो। मैंने खुद निकाला, मुझे पता है कैसे निकालना होता है। अगर आपके पुराने कंपनी बंद हो गया तो पैसे आप निकाल सकते हो। दोस्तों इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।